भाई के अपने रेडी हैं और मैं भी रेडी हूँ, अमरीश भाई का वेट कर रहे हैं और अभी फटाफट से निकल रहे हैं डे टू एक्सप्लोर करने के लिए इन मुनार। और आज हम लोग जाने वाले हैं कपल ऑफ प्लेसेस, जिसमें से एक है टॉप स्टेशन मुनार। इट्स अराउंड 25 किलोमीटर्स फ्रॉम आस्टी हॉस्टल विच यू कैन सी। तो उस पूरी रोड पे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं और काफ़ी सारी जगह हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी अमरीश भाई का वेट करते हैं और फटाफट से निकलते हैं और देखते हैं क्या कुछ है आज के डे के जर्नी में हमारे लिए। सो अभी भाई लोग, अमरीश भाई अपने पहुंच चुके हैं और निकल रहे हैं टॉप स्टेशन के लिए। जर्नी अराउंड 40 किलोमीटर है, 1.5 आवर, बीच में रुकते रुकाते जाएंगे। और काफ़ी सुंदर जगह है, मैंने सुना है इसके बारे में और कभी देखा नहीं है पिक्चर्स वगैरह में, बट एक्सप्लोर करने में मज़ा आएगा। तो चलें अमरीश भाई, चलो। हाँ, और सबसे कठिन ये चढ़ाई है हमारी। ओ भाई साहब, कल हम जब शाम को आ रहे थे तो यहाँ से उतरने में ही हमारी लग गई थी। और वो भी हाँ, लिटरली दो दो बैग के साथ। और अभी फिर भी ठीक है, बाकी चढ़ाई, ओ भाई साहब, ये आप देख सकते हैं कितनी स्टीप है। पहला गियर लगा दिया है, वो हो नाइस एंड ईजी। वाओ, अभी ज़्यादा मैं व्यू नहीं दिखा सकता गाइज आपको, बट वापसी आते हुए फिर से एक बार ही देखेंगे कि कैसे लगते हैं इस रोड से। हमें लेना है यू टर्न। हेलो, बाइकों की जगह नहीं दिख रही है। सर उधर बंद था, मैं ऐसे ले रहा था, इतना क्या जल्दी हो रही है। सर 500। हाँ भाई, 109 रुपये है यहाँ पे। ओ भाई साहब, गाइस चेक दिस व्यू, मस्त वैली व्यू आ रहा है यहाँ से नीचे की तरफ। ओ भाई सही है, और काफ़ी ट्रैफिक है, आप देख सकते हैं बहुत लोग अभी टॉप स्टेशन साइड से वट्टावड़ा से वापस आ रहे हैं। और हम लोग थोड़े ऑड हैं, हम लोग दिन में निकले हुए हैं, पता नहीं क्यों, बट ठीक है। ऊपर जाके आई होप थोड़ा बेटर मौसम हो, क्योंकि अभी तो हीट स्ट्रोक हो रहा है। ओवरटेक कर रहा हूँ। हाँ, तो हम लोग अभी पहुँच गए हैं मडलपट्टी डैम पे और भरपूर ट्रैफिक है, देख सकते हैं आप लोग। वाओ, डैम कुछ दिखता है ऐसे, और एक एक गाड़ी एक एक टाइम पे जा सकती है। तो नहीं गुजरा भाई, तो हमें कहाँ मुड़ना है, हमें राइट मुड़ना है। डैम का वाटर और इस साइड हमारा डैम का स्ट्रक्चर है, नीचे दिखा नहीं पाएंगे। हाँ मैं देख रहा हूँ, हाँ बहुत करंटेड वाटर है। एंड चलो चलो, रुको रुको। तो यही एक रास्ता है जो आपको टॉप स्टेशन लेके जाता है, इसीलिए यहाँ पे इतनी भीड़ है। बट ठीक है, आप लोग आए यहाँ पे, देखें एक बार आके कैसा व्यू वगैरह रहता है। हम लोग तो सीधा निकल जाएंगे, क्योंकि और अभी हमारी जर्नी 22 किलोमीटर्स की है। और कसम बाबा, भाई साहब बहुत ही ज़्यादा एक लंबा ट्रैफिक को चेस करने के बाद जब आप ऐसे व्यू पॉइंट पे निकलते हो ना, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक ट्रैफिक से निकले हो, एक अलग ही जर्नी पे हो, जब ऐसे जगह पहुंचते हो, उफ, नेक्स्ट लेवल एक्साइटमेंट और एड्रेनल तो फट के ऊपर निकल चुका है हमारा।
मस्त लीनिंग चल रही है अमरीश भाई की आगे, बहुत ही सेक्सी, बहुत ही ज्यादा अद्भुत व्यू है यहाँ से भी। और अभी भी हमारा 13 किलोमीटर बचा है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग के इससे 10 टाइम्स बेटर हमारे को और वेदर अच्छा और व्यू मिलने वाला है। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, लेट्स सी। हाँ तो गाइस, ये कुछ एक और हमारे को वैली पॉइंट्स मिले हैं, और बेस्ट पार्ट है कि धूप है बट थोड़ा थोड़ा क्लाउडी और थोड़ा थोड़ा मिस्टी फीलिंग आ रही है पूरी। और नाउ आई कैन फील लिटिल मोर कोल्डर ब्रीज। वाओ, अरे जा कर रहे हैं। हाँ, सो अनदर 10 मिनट्स में हम लोग कहाँ जा रहे हैं, टॉप स्टेशन। हाँ, सो अनदर 10 मिनट्स में हम लोग अभी टॉप स्टेशन पहुँच जाएंगे, और आई कैन इमेजिन अभी से ही कि वहाँ से वहाँ क्या ठंड होने वाली है और व्यू पॉइंट कैसे होने वाले हैं। बट लेट्स नॉट कीप हाई होप्स, सो वेट करते हैं, देखते हैं सीधा आप टॉप पॉइंट से क्या है हमारा व्यू। तो अमरीश भाई ने अभी रोकी है यहाँ पे बाइक, और वो कह रहे हैं कि हमें वो वाला रास्ता एक्सप्लोर करना चाहिए, देखना चाहिए कहाँ जाता है, और उसके बाद एक 360 डिग्री व्यू लेना चाहिए। तो टॉप स्टेशन से पहले चलें क्या? चलो लेट्स गो ब्रो, लेट्स गो। टॉप स्टेशन तो बाद में भी जा सकते हैं, बस आ रही है, इससे पहले निकल रहा हूँ। सो अभी नहीं 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 मतलब पहले ये कर लेते हैं फिर टॉप स्टेशन चलते हैं ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हेलो, सो अभी हम लोग सडन प्लान किया है कि भाई ये वाला रास्ता एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पे। ओली क्रेजी, वाओ, चेक दिस आउट गाइस, क्या ही मजे आ रहे हैं। ऑफ रोड भी मिल गया, एकदम पूरी वैली व्यू, सेंटर में जाके देखते हैं। वो वाओ भाई, यार अलग ही मजे आ रहे हैं मेरे को यहाँ पे बाइक चलाने में। ओवरऑल मैं इतना ज्यादा खुश हूँ और सैटिस्फाइड हूँ कि भाई हम लोग ऐसी ऐसी जगह पे बाइक चला रहे हैं जहाँ पे लिटरली मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस है, एक अलग ही फील होती है ऐसी जगह पे आने की। सो मैंने अपनी बाइक यहाँ रोक दी है और एक चैन की बढ़िया सुकून भरी चाय से, चाय की खुशबू से भरी हुई सांस लेते हुए, और बिल्कुल सेंटर में हूँ मैं अभी इस प्लांटेशन के। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आ रही है, और पूरी रोड ऐसी थी ऑफ रोड, खड्डे खराब सी, एंड आर हंटर हैज शोन अ ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस। भाई कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है, बस मज़े आए हैं। वाओ, ये फाइनली पहुंच गए हो उधर। सो वी आर जस्ट 2 किलोमीटर अवे, और अभी हमारा जो प्लान था हम नीचे ऑफ रोड करके जाएंगे, वहाँ पे हम लोगों ने मस्त फोटो सेशन और मस्त वीडियोस वगैरह बनाई हैं, आप इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हैं। पूरी मुनार की स्टोरीज और हाइलाइट्स डली होंगी। वो काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं अभी हम लोग, और मस्त एकदम ठंडा ठंडा मौसम है, ज़्यादा लोग भी अभी दिखने को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, बट ऊपर आई एम श्योर पहुंच गए होंगे हमसे पहले ही लोग। सो अपडेट ऐसा है गाइस, अभी बढ़िया सी मैगी शैगी खा के और थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद अभी हम लोग निकल गए हैं वॉक करते हुए टॉप स्टेशन की तरफ, ठीक है। कुछ एरिया ऐसा दिखता है, बहुत ही एक सॉलिड अपडेट ये है कि अगर आप इस साइड पे आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने साथ कैश ज़रूरी कैरी करें, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क 0 है, कोई भी जियो या फिर एयरटेल का नेटवर्क बिल्कुल नहीं मिलता है, तो अपने साथ कैश ज़रूरी कैरी करें। बाकी मेन जो
टॉप स्टेशन का जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ बोर्ड वगैरह भी लगा हुआ है। ओके सो दिस कम्स अंडर तमिलनाडु। ओके टॉप स्टेशन इको टूरिज्म वेलकम्स यू। नाइस। सो 20 rupees पर पर्सन टिकट है और वॉच टावर और जो व्यू पॉइंट है वो 100 meters है यहाँ से बैरिगेट से। अमरीश भाई हमारे मना कर रहे थे बट हम इसको ज़बरदस्ती ले आए हैं। इनको थोड़ा हाइट से इश्यू है लगता है या फिर इनको पॉइंट से व्यू पॉइंट से डिसअपॉइंट होने का इश्यू है कि भाई अगर चले गए और कुछ अच्छा मिला नहीं तो ये जो बचे हुए 40 rupees भी थे हमारे पास ना वो भी वेस्ट हो जाते हैं। मेरे को तो पता भी नहीं था कि मेरे पास लिटरली 40 rupees कैश है बट हमने उसको यूज़ कर लिया क्योंकि आए हैं तो एक बार ये एक्सप्लोर तो करेंगे ही। गाइस सीरियसली हम बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं है। वी आर हैप्पी वी स्पेंड दिस ओनली 40 cash वी हैड क्योंकि मैगी खानी बहुत ज़रूरी थी तो 100 rupees की मैगी भी खाई हमने। तो वी आर वेरी क्लोज टू द डिसअपॉइंटमेंट लेवल विच इज द फाइनल लेवल। लेट्स सी। तो अगर आपको 200 meters नीचे और जाना है देन यू हैव अनदर एंट्री फी विच इज 25 rupees। डिसअपॉइंटमेंट लेवल 10 हो गया है क्योंकि और 200 meters नीचे जाओ अब इस व्यू के लिए। व्यू बहुत अमेजिंग है नो डाउट बट ये जो इनका फी सिस्टम है मेरे को ये नहीं समझ आया आप इतना। और ये किसी ने यहाँ पे टेंट लगा रखा है जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी की। ओके गुड थैंक यू। सो अभी टॉप स्टेशन से हम लोग निकल गए हैं और कुछ खास मज़ा नहीं आया क्योंकि फालतू के एंट्री चेक पॉइंट्स और पैसे ले रहे थे ये लोग। इट वॉजेंट रिक्वायर्ड है बट ठीक है किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी था तो उनके रूल्स बट ओवरऑल ओके ओके एक्सपीरियंस। राइड में ऑफकोर्स आई विल गिव 100 out of 100। ओके सबके अपने अपने चॉइसेस होती है मे बी आप लोगों को वो ज़्यादा पसंद आए मेरे लिए राइड इम्पॉर्टेंट है। तो अभी निकल गए हैं वापस और सीधा अभी जो नीचे डैम था वहाँ पे लेंगे एक स्टॉप। और राइड अच्छी होनी चाहिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। व्यू तो हम कहीं से भी निकाल ही लेते हैं। वाइल कमिंग डाउन टूवर्ड्स एको पॉइंट हम लोगों को बहुत ही ऐसे छोटा सा एक ये खाने पीने का जॉइंट मिला और यहाँ से व्यू कुछ ऐसे है और इतना गोल्डन आर मस्त 4:35 o'clock है क्या ही सन की जो लाइट टी लीव्स पे पड़ रही है बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। सो अभी यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे हम लोग गैप रोड के लिए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एवर राइड ट्रिप आई एम एक्सपीरियंसिंग। अमरीश भाई का पता नहीं वो तो बहुत करते रहते हैं बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्योंकि नो नेटवर्क जोन में है कोई चिक चिक नहीं इंस्टाग्राम की व्हाट्सएप की और मज़े आ रहे हैं। अभी जस्ट आई रियलाइज आई हैव फ्यू डाउनलोडेड सॉन्ग इन माई फ़ोन एंड यू लाइक के अरे यार कुछ गाने सुनते हुए मज़े करते जाते हैं। तो पहला गाना चला है इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता यही फीलिंग के साथ हम ये पूरा रोड ट्रिप इंजॉय कर रहे हैं एंड just loving it. I hope you're liking this video guys and I'm loving it that you guys are showing amazing response on my videos and jitni bhi puri mehnat hai bhai aap log like wagaira karke dekhte wagaira ho to ek alag hi you know enthusiasm aa raha hai. So thank you so much for watching my videos and I'll keep getting all the best all kind of a best content for you guys. So अभी फटाफट से गैप रोड पे पहुँचते हैं देखते हैं वहाँ क्या क्या कुछ है और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। One eternity later. तो सन भी सेट होने वाला है और ये कुछ है पूरा मुनार सिटी का व्यू यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। वाह ये व्यू पहली बार देख रहे हैं अभी हम लोग
मतलब मैंने देखा था, रिकॉर्ड नहीं किया था। वहाँ से हम लोग आए हैं पूरा घूम के, और एक्चुअली अगर आपको वो बताऊँ तो वो आप देख सकते हो उधर रोड, हम एक्चुअली ये पूरे माउंटेन्स के पीछे की साइड से आए हैं। वाओ, भाइयों हम लोग बहुत देर पीछे खड़े थे, आप लोगों ने अभी जो व्यू देखा होगा, और अमरीश भाई अभी आगे गए हैं और वो पगला चुके हैं कि भाई ये रोड देखो, उधर एक पॉइंट है, वो बता रहे हैं कि नेक्स्ट लेवल क्रेजी व्यू है। शिट यार भाई साहब, और ऊपर से सनसेट होने वाला है अभी हमारा, तो और मजे आने वाला है। यो हाँ, थोड़ा एक्सक्यूज मी, थोड़ा नहीं ब्रो, सिग्नल पॉइंट आ गया इधर। व्हाट, चेक दैट सनसेट डूड, मजे ही आ गया ये व्यू देख के। और मर्सिडीज बेंज, थैंक यू सो मच, आपने हमारा व्यू खराब कर दिया, बट इट्स ओके, वर्थ इट है, कोई दिक्कत नहीं। ओह शिट, अभी तक हम लोगों ने इस साइड का पूरा देखा है। और अमरीश भाई क्यों चिल्ला रहे हो, क्या है, ऐसा क्या है, देख तो लिया, ओली शिट, क्या है भाई, मैं क्या कर रहा था, मैं नहीं जाना चाहता यार, मुनार एक दिन और होता। ओ भाई जब गाइस सनसेट होने वाला है, शिट, नो नो वे, नो वे भाई, मैं नहीं जा रहा गैप रोड, दिस इज गैप रोड भाई, दिस इज गैप रोड। ओ भाई 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 नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, बाइक वहाँ खड़ी कर रहा हूँ मैं। सॉरी गाइस, ये व्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि हर जगह से सिर्फ खूबसूरती ही खूबसूरती दिख रही है। वो अब हम लोग वहाँ से टर्न लिया, हम लोगों को लगा कि सिर्फ दो चार लोग होंगे, और यहाँ ज़रा भीड़ देख लो दोस्तों, पूरे भाई लोग सब सनसेट का वेट कर रहे हैं, एक नंबर क्राउड है। और हमारा प्यारा सनसेट, वाह मजा ही मजा, मजा ही मजा सनसेट देखने का, नेक्स्ट लेवल। और रोड इतनी प्यारी है ये वाली, इतनी खुली है, नाइस, वी आर जस्ट लविंग इट गाइस, राइट, हाईली रिकमेंडेड प्लेस मुन्नार, अगर आपके बकेट लिस्ट में है तो उसको टॉप पे कर दो और डू विजिट। एंड अगर आप राइडर हैं तो भाई सोने पे सुहागा, इससे अच्छी जगह आपको साउथ इंडिया में बहुत ही कम दिखेंगी। केरला में और ऐसी जगह हैं, बट अलग ही फील और अलग ही चार्म है, मतलब बाइक राइड के लिए लाइक 1000 points भी कम है इसकी, इस जगह के लिए, मुनार के लिए। आई एम सो इम्प्रेस्ड, सो हैप्पी दैट आई प्लान टू कम टू दिस प्लेस, एंड आई हैव बीन प्लानिंग टू कम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और पूरा हो गया। यस ये देखो अमरीश भाई, व्हाट, वेयर आई एम, तो अमरीश भाई अभी भी इंटरकॉम पे चला रहे हैं कि शिव व्यू खत्म नहीं हुआ है, व्यू खत्म नहीं हुआ है, वेट, होल्ड द हॉर्स इज देयर। मैं इस ओके, मैं ब्रेक मार लिया था क्योंकि मैं थोड़ा बौखला गया था कि लेफ्ट साइड देख के हो क्या रहा है, कहाँ है हम, कहाँ है हम, टोल प्लाजा भाई, यहाँ पे टोल प्लाजा लग रहा है भाई, यहाँ तो टोल लगना भी चाहिए, मैं ये बोलता हूँ, कहीं पे टोल नहीं मिला, यहाँ पे मुनार में आगे टोल, ओ भाई साहब, नाइस, सनसेट नहीं दिख रहा है आज, ये हम लोग सब एक्सप्लोर करने कर रहे हैं, और अभी चले जाएंगे वापस हॉस्टल अपने, और कल निकल जाएंगे वर्कला के लिए, तो आप लोग देखेंगे जर्नी मुनार से वर्कला की, और आई थिंक यही रोड रहेगी या पता नहीं कौन सी रोड रहेगी, बट आज मुझे ये एक्सपीरियंस करना था और आप लोगों को ये व्यू और ये पूरी जगह दिखानी थी। इट्स बीन एन ऑनर फॉर मी that I visited this place and I'm able to show this beautiful, scenic, extraordinary, adbhut
जगह. आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो एंड यू आर लाइकिंग द होल मुनार. तो ये व्लॉग मैं यही एंड कर रहा हूँ गाइज. मिलते हैं सीधा नेक्स्ट व्लॉग में वर्कला के लिए. तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. सो ये था हमारा सफ़र मुनार का. अभी वापस निकल गए हैं. अंधेरा पूरा हो चुका था क्योंकि हम लोगों ने इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया था. और अभी वापस निकल के हमने हॉस्टल के लिए और जाके रेस्ट करेंगे. बाकी जर्नी चलती रहनी चाहिए और यही मज़ा है, इसी में मज़ा है.